बिहार ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए आ चुकी है बहुत बड़ी खबरें कि बीए बीएससी और बी में एडमिशन कब से होगा तो इसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को राष्ट्रीय स्तरीय अभी तक टेक चमाय चैनल बनाए हैं तो टेक चमायल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे चैनल पर इसी से रिलेटेड नए नए वीडियो हमेशा आता रहता है और मैं आप सभी तक पहुंचाता रहता हूं तो चलिए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन दिखा दूँ और अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम हाँ तो यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय का पोर्टल खोलने का इंतजार कर रहे छात्रों की परेशानी जो है बढ़ चुकी है स्नातक में एडमिशन को आवेदन की तैयारी जो है रुक गई है तो कब से एडमिशन जो होगा बी आर ए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक में एडमिशन के लिए तैयारी पूरी नहीं हो सकी है छात्रों का डाटा सुरक्षित रखने से लेकर छात्रों को मोबाइल पर मैसेज भेजने की व्यवस्था भी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण जो है पूरी नहीं हो सकी है इंटर के रिजल्ट आने के बाद अब सी की ओर से भी बारहवीं का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है यहाँ पर देखने के अब सी पास काफ़ी छात्र पोर्टल खुलने का जो है इंतजार में है विश्वविद्यालय अधिकारी के अनुसार पोर्टल खुलने में समय लगेगा इस महीने के बाद ही इसकी उम्मीद है मतलब अगले महीने अगस्त में एडमिशन की जो है उम्मीद है इस महीने के बाद इसकी उम्मीद है ऑनलाइन अप्लाई के लिए कई कार्य और भी बाकी है आवेदन करने वाले छात्रों का डाटा जो है सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड सर्वर का जो है प्रस्ताव है लेकिन यह अभी खरीदा नहीं गया है छात्र के ऑनलाइन अप्लाई से लेकर रिजल्ट और सर्टिफिकेट मिलने तक ग्यारह बार मैसेज भेजे जाने की जो है व्यवस्था होनी है हालांकि इस बार सीटें जो है नहीं बढ़नी है एक लाख सात हज़ार के आसपास जो है सीटों पर एडमिशन इस साल होगा बी ए में यही एक कॉलेज मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सीतामढ़ी शिवहर व व वैशाली में है विश्वविद्यालय अधिकारी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण जो है बैठक नहीं हो पा रही है इसमें एडमिशन को लेकर भी छात्र के गाइडलाइन जो है आना है छात्र चिंता ना करें संक्रमण से सुरक्षा भी अधिक जरूरी है स्थिति को देखते हुए आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी वहीं पीजी के लिए भी पोर्टल खुलना है यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण है इंटर रिजल्ट के बाद सी का भी जो है रिजल्ट जारी हो चुका है लेकिन अभी एडमिशन का कोई डेट नहीं आया कोरोना के कारण स्नातक एडमिशन में जो है समय लग सकता है सितंबर तक पूरा करना है एडमिशन का काम छात्र का, का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी नहीं हुआ है इंतजाम यहाँ पर देखने के राजभवन ने बारह बिंदुओं पर जवाब मांगा है यू आई एम एस से बी आर एफ बिहार विश्वविद्यालय में कंप्यूटराइजेशन के यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लेकर राजभवन जो है बारह बिंदु पर जवाब मांगा है यू एम आई एस की वर्तमान स्थिति की पूरी रिपोर्ट देनी है विश्वविद्यालय में स्नातक पी सहित अन्य कोर्स में एडमिशन व रिजल्ट की प्रक्रिया जो है ई वी एम आई एस के तहत होनी है यहाँ पर देख रहेगी इसमें ऑनलाइन अप्लाई मेरिट लिस्ट एडमिशन रजिस्ट्रेशन परीक्षा के रिजल्ट आदि है ये सब आपके मोबाइल पर ही जारी किया जाएगा राजभवन ने विश्वविद्यालय में ई वी एम आई एस के वेंडर स्टेटस वेंडर के बारे में विस्तृत जो है जानकारी मांगी है मॉड्यूल की संख्या कितनी है डाटा को स्टोर करने के लिए क्या योजना है इसमें प्रति छात्र खर्च कितना आएगा सहित बारह बिंदुओं पर जो है जवाब मांगा है इसको लेकर अभी तक स्नातक जो बिहार विश्वविद्यालय है अभी तक तैयारी नहीं कर पाया है इसलिए जो है एडमिशन में कुछ देर हो सकती है इसका मतलब है कि अगस्त में जो है एडमिशन शुरू हो सकता है